हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है फिरोज और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा डैमेज, रफ, फिजी या जले हुए बालों के ऊपर हेयर कलर कर सकते हैं और कलर करेंगे तो बालों का क्या होगा, और ज्यादा जल जाएंगे या ठीक हो जाएंगे, यही सब कुछ मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, बाकी छोटी छोटी बातें मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये मैंने ले लिए कुछ ओरिजिनल हेयर कटे हुए। इन बालों की आप हालत देख सकते हो कितनी बुरी है, ये बहुत ज़्यादा ओवर कलरिंग की वजह से बाल जल चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग की वजह से बाल जल चुके हैं। इन बालों के ऊपर स्ट्रेटनिंग भी हुई है और ब्लीचिंग, कलरिंग बहुत कुछ हो रखा है इन बालों के ऊपर। मैं इनमें कॉम्ब भी नहीं कर सकता, ये बाल टूट जाएगी, आप देख सकते हो मेरी फिंगर भी इसमें फंस रही है। ऐसे बालों में कलरिंग तो क्या, वॉश करते हुए भी डर लगता है कहीं बाल टूट ना जाए या और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम वॉश भी सही से नहीं करते और बालों में कुछ कराने की भी नहीं सोचते कहीं और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो आज मैंने यही डाउट क्लियर करने के लिए अपने एक क्लाइंट के बाल काट के रखे हुए थे, तो उन्होंने नीचे नीचे से ही बाल कटवा दिए थे जो बाल खराब थे, और बाकी के बालों के ऊपर उन्होंने हेयर कलर करवा के बाकी बोटॉक्स करा के उन्होंने अपने बाल ठीक करवा लिए। अगर आपके बालों की कंडीशन भी कुछ इस तरह से है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके ऊपर मैं लॉरियल कंपनी का 5.35 हेयर कलर यूज़ करने वाला हूँ, जो कि है लाइट ब्राउन गोल्ड मोहगनी रिफ्लेक्ट, और इस कलर के साथ मैं मिक्स करने वाला हूँ 20 डेवलपर, जो कि लॉरियल कंपनी का ही है। ऐसा नहीं है मैं लॉरियल कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ तो आपको भी लॉरियल कंपनी का यूज़ करना पड़ेगा। कलर मैंने पहले से ही मिक्स करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबे ना बने। जिस भी कंपनी का ऊपर आपको भरोसा हो, जो आपके बजट में है, वो कलर आप लेकर लगा सकते हो, पर लगाना प्रोफेशनल कलर ही। ऐसे बालों में बहुत तरीके से कलर लगाना पड़ता है, कॉम्ब यूज़ नहीं करनी होती क्योंकि ये बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। छोटे छोटे सेक्शन निकाल के बालों में कलर अच्छे से लगाओ और हाथों से मल सफाई अच्छे से करो ताकि कोई बाल रहना जाए, कहीं से भी सूखा बाल ना रह जाए, हर जगह से कलर लग जाए अच्छे से। इन बालों की कंडीशन तो आप देख चुके हो, पता नहीं कलर करने के बाद और बालों की क्या हालत होगी, या वो ज़्यादा जल जाएंगे या फिर ठीक हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है हमारे बालों से कलर पिगमेंट्स निकलने के बाद हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज, फिजी फिजी लगने लगते हैं, और उन बालों के ऊपर हम जब हेयर कलर करते हैं तो बालों के अंदर कलर पिगमेंट्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल अच्छे लगने लगते हैं। मैं ऐसे ही हेयर से रिलेटिव एक्सपेरिमेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी वीडियो देखने में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। ये हेयर कलर लगाने के बाद मैं इसको छोड़ूंगा 35 मिनट, 35 मिनट के बाद मैं इसको वॉश करके आपको दिखाऊंगा फाइनल रिजल्ट। ये लग चुका है कलर, मिलते हैं वॉश के बाद। और ये हो चुका है वॉश का टाइम, आ गया हूँ पूरे 35 मिनट के बाद। तो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कलर कैसा आया है, जब भी वॉश करो उससे पहले कलर को चेक करो कि कलर हमारे बालों में आया है या नहीं आया। अगर आपको लगता है कलर आ गया तो वॉश कर दो, नहीं आया तो कुछ देर और छोड़ दो। और ये हो चुका है वॉश, अब आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट। कलर तो बहुत ही अच्छा आया है बालों के अंदर और बालों की कंडीशन भी कुछ पहले से बेहतर लग रही है और बालों को टच करने में काफ़ी स्मूथ सा फील हो रहा है। पहले की कंडीशन आप देख सकते हो, पहले की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी बालों में, वो फिंगर भी पास नहीं हो रही थी और अब इतने ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं। इन बालों को थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ मैं आपको, 100% ठीक तो नहीं हुए पर कलर लगाने से जो डाउट था हमारा कि बाल और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुए। 50% हमारे बाल ठीक हो चुके हैं और 50% जो बचे हैं वो केराटिन या बोटॉक्स से ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बाहर की रोशनी में ले जाकर ये बाल दिखाता हूँ ताकि आपको और करीब से आप देख सको बालों की कंडीशन क्या है और पहले क्या थी। पहले ये बाल बहुत ज़्यादा डैमेज, रफ, फिजी और जले हुए बाल थे और इन बालों के ऊपर मैंने कर दिया है कलर। कलर करने के बाद इन बालों की कंडीशन 50% ठीक हो चुकी है। तो चलिए बाहर की रोशनी में ले जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी कंडीशन क्या है इस टाइम पर। और ये आ चुके हैं हम बाहर, बाहर की रोशनी में आप करीब से देख सकते हो इन बालों की कंडीशन और पहले की हालत। इन बालों की आपने देखी है वीडियो की स्टार्टिंग में, कितने ज़्यादा डैमेज, रफ, फिजी, जले हुए बाल थे ये। तो मुझे उम्मीद है आपकी सब समझ में आ गया होगा, आपका डाउट 100% क्लियर हो चुका होगा कि जले हुए बालों के ऊपर हम हेयर कलर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। और ये वीडियोस जो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं बना सकूँ। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।